गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं टीपीएम सर, आप सबों का हिंदी टीचर। आज क्लास टू के लिए हिंदी में हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। हिंदी में दो पुस्तक है, एक हिंदी पाठ्य पुस्तक जिसमें कविता कहानियां है, दूसरा पुस्तक है हिंदी व्याकरण एवं रचना। बच्चों, हिंदी हम लोग बोलते हैं, लिखते भी हैं, तो हिंदी क्या है? यह एक लिपि है, यह एक भाषा है। तो आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि हम किसी से बात करेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे, दूसरे के साथ किस तरह बात करना चाहिए, क्या सही बात कर रहे हैं कि गलत बात कर रहे हैं, यह व्याकरण हमको सिखलाता है। अगर हम पुरुष को स्त्रीलिंग करके करेंगे, स्त्रीलिंग को पुरुष पुल्लिंग करके कहेंगे, तो यह सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और यह असभ्य होगा। इसलिए व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है, जिससे हमको शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाएगा। इसलिए बच्चों, आज क्लास टू के लिए पहला हम लोग किताब देखेंगे। पेज नंबर 6 पर दिया गया है हमारी भाषा। आप सभी दोस्त एक साथ एक दूसरे से बोलते हैं, जो बोलते हैं उसका जवाब भी वो दूसरा देता है। क्यों? क्योंकि वह समझ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं और उसका जवाब वह दे रहा है। तो यह क्या है? भाषा है। अगर आपके द्वारा बोले गए बात को वह नहीं समझ रहा है तो समझो कि वह उस भाषा को नहीं जान रहा है। इसलिए भाषा अति आवश्यक है और भाषा हमें पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, किताब देखेंगे, आप सबों के किताब में चित्र के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे समझाए गए हैं, अच्छे अच्छे चित्र भी हैं। चित्र के माध्यम से भी आप सभी बच्चे समझ सकते हैं, सिर्फ देखकर और थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखो, किताब में दिया है हमारी भाषा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आवर लैंग्वेज। चित्र में दिया गया है, देखो, एक मुर्गा है, एक बच्चा सो के उठ रहा है, इधर देखो एक लड़की अपनी माँ से, चित्र में उसका भाई सोया हुआ है, उसके बारे में कुछ कह रहा है। इस तरह का चित्र हम लोग देखेंगे तो इसमें बहुत सारे चीज हम लोगों को समझने में आएगा। इसलिए पहले देखेंगे, देखो मुर्गा का चित्र है, मुर्गा क्या करता है? देखो यहाँ पर एरो दिया गया है, मुर्गा कह रहा है कुकड़ुंकू। मुर्गा का ये आवाज है, यह उसका बोली है। संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पशु पंछी है, हम आदमी सब हैं, हम मानव हैं, तो सबकी अपनी एक भाषा होती है, सब कोई अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। तो उसी प्रकार मुर्गा का भाषा क्या है? मुर्गा तो मुर्गा का बोली क्या होता है? कुकड़ुंकू। तो ये देखो कुकड़ुंकू बोल रहा है, तो कुकड़ुंकू बोल दिया यानी कि दूसरा सुन लिया। कौन सुन लिया? जो सोया हुआ बच्चा है वह उसकी बांग सुनकर जग जाता है। तो देखो दिया गया है, मुर्गा बांग देकर सबको जगा रहा है। मुर्गा बांग देकर क्या करता है? सोए हुए व्यक्ति को जगाता है। दूसरे चित्र में देखेंगे, वह सो रहा है, धीरे से जाओ। एक महिला यानी ये लड़की की माँ है, माँ जैसे लड़की अंदर आ रही है तो माँ कहती है लड़की से कि धीरे जाओ, देखो एक बच्चा सो रहा है, इसलिए धीरे जाओ, आवाज अगर आ जाएगा तो वह जग जाएगा। महिला बता रही है कि बच्चा सो रहा है। तीसरे चित्र में देखेंगे, एक माँ बच्चे को
चुप करा रही है। क्यों रोते नहीं बेटा, चुप हो जा। यह बच्चा देखो चित्र में रो रहा है कुछ खिलौना के लिए या फिर मिठाई के लिए या फिर नाश्ता के लिए, किसी के लिए वह रो रहा है। तो उसकी माँ जो है उसको कह रहा है कि बच्चा चुप हो जाओ। चौथे चित्र में देखो एक पिंजड़े में क्या है, तोता है। तोता को एक लड़की क्या दे रही है, मिर्च। तोता का भोजन क्या है, मिर्च है। देखो ये लो मेरे तोता राम, हरी मिर्च खाओ और करो आराम। कहता है कि पिंजरा में कि यह लो मिर्च खाओ और आराम करो। लड़की तोते को हरी मिर्च खाने के लिए बुला रही है। अब देखो नीचे चित्र में दिया गया है रेल। रेल का चित्र है, रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी में एक ड्राइवर होता है, एक गार्ड होता है। जब तक गार्ड जो है ड्राइवर को झंडी नहीं दिखाता है, इशारा नहीं करता है, तब तक ड्राइवर जो है गाड़ी को नहीं बढ़ाता है। तो इसी प्रकार दोनों में संकेत के द्वारा यानी झंडी इशारा के द्वारा बात होता है। तुम लोग भी कभी बच्चे एक दूसरे से बात करते होंगे तो देख रहा होगा कि हल्ला हो रहा है तो इशारा कर देते हैं मुंह में उंगली देकर कि चुप हो जा। तो ये क्या है, यह भी एक भाषा है, इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं हुई लेकिन इशारा से वह समझ जाता है। तो एक दूसरे को समझना ही भाषा है। अब देखेंगे झंडी दिखाकर गाड़ी को चलाने का संकेत दे रहा है। संकेत दे रहा है मतलब उसको सिग्नल इशारा दे रहा है कि हाँ हम रेडी हैं, अब गाड़ी चलाओ। तो देखो इस चित्र में हम लोग ने देखे कि बिना इशारा किए, बिना आवाज के किए हम किसी भी बात को समझ नहीं सकते हैं। अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये तो नहीं समझ में आएगा। वही अगर आप सब बैठे हैं और हमने इशारा किया ऐसे तो आप समझ गए कि हमको बुला रहे हैं। अगर हम सिर्फ खड़े हैं तो आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो कुछ कुछ भाषा ऐसी होती है जो हम इशारे के माध्यम से समझ सकते हैं और दूसरे जो कह दिया उसका हम पालन करके अपना कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, हम लोग बोलकर और या फिर लिखकर। अगर आप सभी जो आपके दोस्त हैं बाहर दूसरे जगह पर हैं तो उसको अपनी बात कैसे हम पहुंचाएंगे, तो लिखकर अपनी बात लिखकर बोलेंगे। तो उस एक सामने है तो उसको बोलकर हम समझ सकते हैं दूसरे की बात, लेकिन जो दूर पे है तो उसको लिखकर भेज दिए तो वह फिर उसका जवाब दे दिया। तीसरा है सुनकर। आप सभी टीवी देखते होंगे, टीवी में जो आवाज आती है, समाचार आता है, गाने आते हैं, फिल्म आते हैं, धारावाहिक आते हैं, वह सभी आप सभी देखते हैं और समझते भी हैं। क्यों, क्योंकि वह जो बोल रहे हैं उसकी भाषा आपको याद है, उसकी भाषा आप जान रहे हैं, तभी आप उस चैनल को, उस धारावाहिक को, उस भाग को देखते हैं। दूसरा है अखबार के माध्यम से भी, किताब के माध्यम से भी हम लोग अब समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं, तो पढ़कर। तो भाषा के जो रूप हैं वह बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर हम लोग समझ सकते हैं। तो भाषा है क्या, भाषा एक जरिया है, एक साधन है। क्या साधन है, तो भाषा का परिभाषा में हम लोग जानेंगे कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों की को लिखकर या बोलकर अपना विचार या बात कर सकते हैं, करते हैं। मेरे मन में मेरे अंदर जो भाव है उसको हम लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने रखेंगे, वही हमारा भाषा है। ठीक है, अब देखो पेज नंबर 7 में दिया है, हम अपनी बात बोलकर व लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरे क्या करते हैं, सुनकर व पढ़कर हमारी बात समझ सकते हैं। अब देखो देश में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग राज्य में रहते हैं, और प्रत्येक राज्य का अलग अलग भाषा भी हो सकता है। आप सबों का भी अलग अलग भाषा है। हम लोग आप सब स्कूल आते हैं, स्कूल में या तो हिंदी बोलते हैं या तो फिर अंग्रेजी बोलते हैं।
घर पर मम्मी पापा या अपने निजी संबंधी जो है उससे आप लोग घरेलू भाषा में बात करते हैं। घर की अलग अलग भाषाएं होती है, इसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, लेकिन घर वाले आप घर की भाषा को जानते हैं, इसीलिए आप घर वालों से घर की भाषा में बात करते हैं। यहाँ सभी जगह से बच्चे आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो घर में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा का प्रयोग दूसरा बच्चा भी करे, नहीं करता है। इसलिए सब बच्चा एक भाषा का प्रयोग करता है, वह क्या होता है, हिंदी या फिर अंग्रेजी। तो इस प्रकार हमारे देश में जो राज्य हैं, बिहार है, पंजाब है, उड़ीसा है, इस तरह के 28 राज्य हैं। तो प्रत्येक राज्य में भाषा अलग अलग होती है, जैसे यहां देखो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भाषाओं में बात कर सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी अलग अलग भाषा में बात करते हैं। जैसे मैं पंजाब में बात कर सकता हूं क्योंकि वह पंजाबी है, मैं पंजाबी में बात कर सकता हूं, पंजाब की भाषा पंजाबी है इसीलिए वह पंजाब। देखो यहां चित्र में दिया गया है बच्चा, मैं पंजाबी में बात कर सकता हूं यह बच्चा कह रहा है। तो यह जो है यह चित्र में देखो एक पंडित है, यह कहता है कि मैं मलयालम से बात कर सकता हूं, वह मलयालम भी एक भाषा है, मैं मलयालम में बात कर सकती हूं। तब दूसरा टोपी पहने हुए सूट बूट में है, देखो चित्र में दिया गया है, यह कह रहा है कि मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूं। तो फिर यह पंडित जी क्या कह रहे हैं कि मैं हिंदी में बात कर सकता हूं। अब देखो भाषा यहां पर पंजाबी हो गया, मलयालम हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, मराठी भी होता है, गुजराती भी होता है, उड़िया भी होता है। तो बहुत से जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो वहां के राज्य के लोग वहां के भाषा को आराम से समझ सकते हैं। कोई आप रहते हैं अपने यहाँ झारखंड में, आपका झारखंड में हिंदी भाषा है, कोई पंजाब से आया है वो पंजाबी बोल रहा है, तो आप समझ पाएंगे, नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वह दूसरे जगह का है, उसकी भाषा का आपको पता नहीं है। लेकिन अगर वह जो हमारे देश का एक भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है वह हिंदी है, तो हिंदी से अगर वो बात करता है तो आप हिंदी से उसका जवाब दे देते हैं आसानी से। इस प्रकार भाषा जो है हम सबों के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। देखो हिंदी हमारी राजभाषा है, राजभाषा का अर्थ होता है पूरे राज्य भर में हम लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे हम लोग पत्र भी लिख सकते हैं, उस भाषा से किसी को भी बोल सकते हैं। तो पत्र लिखने के काम में या बोलने के काम में जो सबको जान रहा है वह हमारी राजभाषा है। तो हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। अब पेज पलटेंगे बच्चों, देखो इसमें दिया गया है वर्कशीट, वर्कशीट मतलब काम करने के लिए, आप लोगों को काम करने के लिए दिया गया है। ये चित्र को देख रहे हैं, देखो एकदम आराम से देखो इस चित्र को, चित्र में अपनी बात कौन कैसे कह रहा है और समझ रहा है। देखो चित्र में यहाँ पर एक परिवार, पूरे परिवार अपने कमरे में बैठा हुआ है, ये चित्र दिख रहा है। ये चित्र में देखो एक दादाजी है, दादी जी है, एक लड़का है और लड़के के पिताजी हैं या युवक है, ठीक है। तो अब देखो कमरे में क्या कर रहे हैं, तो यहां देखो नीचे क में दिया गया है दादाजी, दादाजी क्या कर रहे हैं, टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। तो ये क्या कर, लिख कर की बोलकर या बोलकर, अपनी भाषा बोल रहे हैं। अब देखो दादी हाथ में रिमोट लिए हुए है, बगल में देखो टीवी भी है, तो वह टीवी देख रही है, यह भी इसकी भाषा को समझ रहा है, टीवी में जो बोला जा रहा है उसकी भाषा को दादी समझ रही है, इसलिए यह भी भाषा का रूप है। कौन सा रूप है, तो यह सुनकर। यहां पर
फोन में देखो दादाजी बोलकर बात कर रहे हैं, दादी जी सुनकर कर रहे हैं, और युवक जो है वह पेपर यानी अखबार लिए हाथ में पढ़ रहे हैं। तो वह पढ़ने पढ़ा पढ़ भी रहे हैं तो वह कोई भाषा होगा, या तो हिंदी से लिखा होगा या तो अंग्रेजी से लिखा होगा। तो इस प्रकार पेपर जो पढ़ रहे हैं वह भी भाषा का एक रूप है, जो यह पढ़कर अपनी भावना को अपने विचार को व्यक्त कर रहा है। चौथे में है देखो, बच्चा टेबल पर कुछ लिख रहा है, किस पर, कॉपी पर। तो यह भी इसके मन में, इसके दिमाग में कोई बात होगा वही चीज लिख रहा होगा इसमें। तो वह अपने मन के बात को जो कॉपी पर लिख रहा है वह अपने भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो वह लिख कर इसमें भाषा का किस रूप का प्रयोग किया गया है, तो लिख कर। तो हम लोग भरेंगे दादाजी बोलकर, यहाँ भरेंगे बोलकर, दादी जी यहाँ भरेंगे सुनकर, लड़का लिखकर, और युवक पढ़कर। ठीक है, ये हो गया पेज नंबर 8 में। इतना तक आप सबों को घर पर आराम से पढ़ना भी है और समझना भी है। आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया बच्चों? थैंक यू।